नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक जैन है और मैं को फाउंडर हूँ वुडोफा इंटीरियर्स का। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार करने वाला हूँ। कुछ मालूम है क्या, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ कि आप अपने घर का इंटीरियर खुद से चेंज कर सकते हैं। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, नीचे एक बटन है और बेल नोटिफिकेशन का एक बटन है, उन दोनों को क्लिक कर दीजिए, आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। चलो आज देखते हैं कि इस वीडियो के दौरान हम कैसे कैसे टिप्स यूज़ करेंगे कि आप अपने लोकल कारपेंटर को बुलाएं मार्केट से और उससे अपना घर का इंटीरियर मॉडिफाई करा सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि आप अपने अलमारी के पुराने दरवाज़ों को नया बना सकते हैं? आपको अपने एरिया से एक लोकल कारपेंटर को बुलाना है और उसको बोलना है कि आपके पुराने दरवाजे को रिवर्स कर दे, जो अलमारी पे पहले लगा था उसको पीछे कर दीजिए और उसके ऊपर लैमिनेट लगा दीजिए। अगर उसको उल्टा करने में दिक्कत होती है तो सेम एग्जिस्टिंग फेस पे भी आप लैमिनेट लगा सकते हैं या कोई और फिनिश कर सकते हैं एज़ पर योर रूम का थीम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इस अलमारी का पुराना दरवाज़ा था जहाँ पर एक मोल्डिंग और पेंट हुआ हुआ था। हमने क्या किया, हमने इसको रिवर्स किया और उसके ऊपर आप इसके ऊपर लैमिनेट लगा दिया। तो आप जब ने दरवाज़ा रिवर्स किया और आपको ये लैमिनेट इसके ऊपर दिखाई देने लगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने एग्जिस्टिंग टीवी यूनिट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके रूम में एक एग्जिस्टिंग टीवी यूनिट या एक एलसीडी यूनिट रखा हुआ है तो उसके साथ आप कुछ शेल्फ्स या फिर डेकोरेटिव पैनल्स ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर आप कुछ डेकोर के एलिमेंट्स डाल सकते हैं। और अगर एक वार्डरोब भी है आपके रूम में तो आप उसको भी अपने शटर्स अपने लोकल कारपेंटर को बुलाइए जो आपके इन अराउंड एरिया में काम करता हो, उसको बोलिए कि आपको इसके लैमिनेट चेंज करना है, इस टीवी यूनिट बॉक्स को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है और एक्स्ट्रा कुछ शेल्व्स या स्टोरेज ऐड करना है। इस तरीके से आप इस पूरी वॉल का एक नया लुक बना सकते हैं और आपको ये रूम में एक अच्छा एनहांसमेंट क्रिएट करेगा। आप चाहें तो इसके बैक पैनल को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा पॉपअप या फिर इसको एक नया टीवी पैनल बैक पैनल बना सकते हैं। इस टिप के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी एग्जिस्टिंग वॉल के अंदर एक नीश क्रिएट कर सकते हैं जहाँ कि आप काफ़ी सारा डेकोर बुक्स या कुछ और एक्स्ट्रा स्टफ़ अपने रूम का आप इस पर रख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर लाइट लगा लें तो ये और अच्छा डेकोरेटिव पैनल बन जाएगा। आप अपने लोकल कारपेंटर को जब बुलाएंगे काम करने के लिए घर में तो उसको बोलिएगा कि आपकी एग्जिस्टिंग वॉल के ऊपर एक नीश क्रिएट कर रहे हैं। वो क्या करेगा, इसी वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा पैनलिंग करके इसकी एक नीश बना लेगा। उस नीश के अंदर थोड़ी सी स्पेस प्लस एंड माइनस की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जिस्टिंग वॉल का साइज़। अगर वॉल 9 इंच की है तो साइज़ अलग होगा, अगर वॉल 4 इंच की है तो साइज़ अलग होगा। तो जब आप अपने कारपेंटर को बुलाएंगे तो वो आपको अच्छे से सजेस्ट कर देगा कि किसमें कितना साइज़ आपको मिल सकता है। पर आप इस तरीके से एक छोटा सा अलग सा डेकोर एलिमेंट अपने बेडरूम में क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और अगर अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।